उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे केदारनाथ धाम के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में। भारी भीड़ से यात्री काफी बेहाल हैं और लोग फंसे भी हुए हैं। भारी भीड़ की वजह से लोग परेशान रहे और प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। वहीं लोगों का आरोप है कि घोड़े खच्चर वालों की वजह से ऐसे हालात बन रहे हैं, क्योंकि पहले घोड़े खच्चर वाले सुबह के वक्त सामान धाम लेकर जाते थे, लेकिन अब दिन में भी वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है। देखिए रिपोर्ट। आस्था और भक्ति का सैलाब बद्रीनाथ धाम में उमड़ा है। सुबह ठीक 6 बजे पूरे विधि विधान के साथ भू बैकुंठ बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। रिमझिम बारिश के बीच कपाट खुले तो भक्तों का उत्साह, उमंग और आस्था चरम पर दिखी। कपाट खुलते ही धाम जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। भगवान बद्री विशाल के कपाट विशाल के लिए ठीक 6 बजे खोल दिए गए हैं। आज से भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना अब यानी कि रावल जी करेंगे। 6 माह तक जहां शीतकाल में नारद भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करते थे, तो वहीं कपाट खुलने के बाद अब नर के रूप में रावल जी भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करेंगे। आर्मी बैंड एवं ढोल नगाड़ों की मधुर धुन और स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ भगवान बद्री विशाल की स्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। धाम में हर कोई भक्ति से लबरेज दिखाई दिया। हम लोग यहाँ पर बद्रीनाथ को ऊनी वस्त्र देते हैं और 6 महीने बद्रीनाथ जी हमारे वस्त्र में रहते हैं। आज भगवान जी का कपाट खुला हुआ है, इसलिए हम माणा गांव के लोग सभी लोग यहाँ पे भगवान जी के दर्शन करने आए हैं। ये हम हवाबूधारियों में से हैं। आज 6 महीने बाद भगवान बद्री विशाल के पुनः दर्शन हो रहे हैं और इससे खुशी और क्या होती है। भगवान बद्री विशाल से है कि देश में सुख शांति रहे और सभी धन धान्य रहे। कपाट खुल गया, मूर्ति सरसब जो चकाचक है बिल्कुल बड़ा सुंदर से और बड़ा मंगल बरस रहा था जब कपाट खुल रहे थे। भगवान चकाचक घी में लबालब है, जैसा चाहते थे वैसा मिला हमें। आज मूर्तियां सुंदर मिली हैं। बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। इसके साथ ही प्राचीन मठ और मंदिरों की सजावट भी भव्य की गई। पहले ही दिन बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा और भक्त लंबी लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बहुत खुशी हो रही है जी, मंदिर में पूरा जी झूम झूम के नाचे जी। एक किस कहा था लाइन पे सर? एक किस कहा था? मैंने 1 बजे से लगे हुए हैं जी और भगवान के दर्शन के लिए खड़े हैं। बारिश भी हो रही है, भगवान का ध्यान कर रहे हैं और आज कपाट खुल गया सब भक्तों के लिए और बहुत अद्भुत दृश्य देख रहे हैं आप। एकदम मनमोहक है और बहुत ही भक्तों में खुशी का लहर है। भगवान 6 महीना के लिए बद्री विशाल की कपाट खुल चुका है। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 माह के अंतराल के बाद खुले हैं। पिछले साल 18 नवंबर से शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए थे। इसके साथ ही उत्तराखंड के 4 धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। भगवान बद्री विशाल जी के भी आज कपाट खुल गए हैं और सभी श्रद्धालुओं का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आए और यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करें। भगवान सबकी यात्रा सफल बनाएं। हमारा प्रयास है कि यात्रा में किसी को कोई परेशानी न हो, व्यवस्थित तरीके से यात्रा चले। शुरुआती दिनों में अत्यधिक लोग पहुँच रहे हैं, मेरा उन सभी से कहना है कि जो यात्रा के नियम हैं, रजिस्ट्रेशन है, बुकिंग है, मौसम की जानकारी है, वो सब जानने के बाद ही यात्रा आगे बढ़ाएं। इससे पहले 3 धाम केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट बीते शुक्रवार अक्षय तृतीया के दिन
10 मई को ही खोले जा चुके हैं और सभी धामों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बद्रीनाथ धाम से न्यूज 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ चार धाम आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या करीब 24 लाख से ऊपर पहुंच गई है। भीड़ का आलम यह है कि यमुनोत्री धाम के लिए पुलिस को अपील जारी करनी पड़ी कि जो यात्री यमुनोत्री धाम आ रखे हैं वे रविवार को अपनी यात्रा स्थगित कर दें। उत्तराखंड में 10 मई से चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। यात्रा के शुरुआती दो दिन में रिकॉर्ड 82,000 श्रद्धालु गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ पहुंचे। अकेले यमुनोत्री में दो दिन में 20,000 और केदारनाथ में 51,000 यात्री पहुंचे। इससे केदारनाथ पैदल मार्ग और यमुनोत्री पैदल मार्ग पर व्यवस्थाएं पटरी से उतर गईं। पैदल मार्ग से लेकर सड़क तक जाम के झाम से यात्री बेहाल हो गए। रविवार को भी यमुनोत्री से लेकर केदारनाथ तक जाम की खबरें दिन भर मिलती रहीं। नतीजा उत्तरकाशी पुलिस को रविवार को यात्रियों से अपील करनी पड़ी कि जो यमुनोत्री आने की तैयारी में है वे रविवार को अपनी यात्रा स्थगित कर दे। यात्री की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी, इतने एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने, पर इतनी ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ की पुलिस ने काफ़ी अच्छे से मदद किया, सब जाम क्लियर करवाया। 24 घंटे के पार भी लोग खड़े हुए थे। आज मेरा सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर बने पर निवेदन है कि जो भी अपने पड़ाव पे हैं, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या उत्तरकाशी में हो, तो वो अपनी यात्रा को, यमुनोत्री धाम की यात्रा को आज जो है स्थगित रखें और अपने सुरक्षित बने रहें, अपने अपने जहाँ भी पड़ाव पे हैं या फिर अपनी यात्रा को आज गंगोत्री की तरफ डाइवर्ट कर लें, क्योंकि आज यमुनोत्री धाम पूरी तरीके से पैक हो चुका है। इधर देहरादून में बनाए गए चार धाम यात्रा स्टेट कंट्रोल रूम में भी हर सेकंड पूछताछ के लिए फोन की घंटी बज रही है। अधिकतर यात्री जाम और मौसम का हालचाल ले रहे हैं। कंट्रोल रूम से भी लोगों को बताया जा रहा है कि वो कुछ दिन रुककर यात्रा करें। दोनों अभी हमारे पे लाइव हैं, चारों धाम के हम पे लाइव फुटेज एक्टिव है, जहाँ पे हमारे हेड काउंट आप चेकआउट कर सकते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग एग्जिट ले रहे हैं। हाँ, तो चारों चीजें अभी एक्टिव हो गई हैं। साथ ही साथ हमारा वेरिफिकेशन पॉइंट पे भी एक्टिव है। साथ ही साथ ऋषिकेश का भी हमारे पास फुटेज है, जो कि जहाँ पे लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वहाँ का भी फुटेज है और वेरिफिकेशन पॉइंट का भी फुटेज रहता है। कि लोग हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच गए हैं, बस हम लोगों से लोकेशन पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली कहां पे हो रहे हैं, किस साइड से हो रहे हैं, और थोड़ा सा वेदर का पूछ रहे हैं कि आपको पता है बारिश वहां बहुत ज्यादा शुरू हो गई है, तो लोग बस ये भी पूछ रहे हैं कि वेदर वगैरह का कैसा रहेगा, मोस्टली हमारे पास यही क्वेरी आ रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद यात्रियों की संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में यात्रा व्यवस्थाओं को बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए और भी बड़ी चुनौती बन सकता है। अभी तक हुए रजिस्ट्रेशन के तहत 12 जून तक केदारनाथ यात्रा के सभी स्लॉट बुक हो चुके हैं। 10 जून तक यमुनोत्री तो 1 जून तक गंगोत्री धाम यात्रा के स्लॉट भी बुक हैं। उत्तरकाशी से बलबीर परमार के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में भीड़भाड़ की खबरों के बीच सचिव पर्यटन सचिन कुरवे का कहना है कि यात्रा अपने व्यवस्थित ट्रैक पर आ चुकी है। सरकार ने चारधाम में व्यवस्था के अनुरूप जो संख्या सेट की थी उसी के अनुरूप यात्री अब मंदिर में पहुंच रहे हैं। तो शाम के 4 बजे तक 7,970 लोगों ने यमुनोत्री में दर्शन किए हैं। अगर हम गंगोत्री की बात करें तो शाम के 4 बजे तक 7,228 लोगों ने दर्शन किए हैं और केदारनाथ में 10,365 लोगों ने दर्शन किए हैं। जो हमारे पास हमारे कंट्रोल रूम में भी हमारे जो कैमराज लगे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से जगह उनके कैमराज है और जो ड्रोन के जो वीडियोज है जो आए हैं, तो आज यात्रा ठीक से चल रही है, नंबर भी हमारा स्टेबिलाईज होते आ रहा है। चारधाम यात्रा में ग्रीन कार्ड बनाने के नाम पर ज्यादा पैसे को वसूला जा रहा है। रुड़की पुलिस ने ऐसे 6 लोगों को हिरासत में लिया, साथ ही कंप्यूटर भी जब्त कर लिया है। ये लोग बाहरी प्रदेशों से आने वाले टैक्सी ड्राइवरों से ज्यादा रुपए वसूल रहे थे।
और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन पूजन किए और प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। वहीं केदारनाथ में दर्शन करने के बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह बद्रीनाथ पहुंचे और बद्री नारायण के दर्शन पूजन भी किए हैं। राज्यपाल ने कहा कि यहां आने वाले सभी तीर्थयात्रियों का वो स्वागत करते हैं और सभी सफल और सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए भगवान से कामना करते हैं। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों का अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी प्रत्याशी उज्जवल निकम के लिए आज सीएम पुष्कर सिंह धाबी ने प्रचार किया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सिर्फ एक सांसद या प्रधानमंत्री चुनने का नहीं है, ये चुनाव देश को विकसित देश बनाने का है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष में कोई दूल्हा नहीं, सभी बराती हैं, वो भी अनमने ढंग से चल रहे हैं, कोई किसी को आगे नहीं निकलने देना चाहता। का जो चुनाव है, ये चुनाव एक केवल सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव केवल एक प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश को एक नई दिशा देने का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव है, विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बने, उसमें बारात तो निकल रही है, उसमें बराती कोई नहीं बनना चाहता। जानते हो क्या बनना चाहते हैं सब? हाँ, दूल्हा नहीं है। तो कोई उसमें दूल्हा नहीं है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज दिल्ली में जमकर प्रचार अभियान किया और सुबह उत्तर पूर्वी दिल्ली में लोगों से जनसंपर्क किया। यहां के सांसद और प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन में यह जनसभा को भी संबोधित किया। साथ ही अब की बात 400 पार के स्टिकर लगाए। गणेश जोशी ने कमल विहार में सिद्ध बद्री केदार मंदिर में भी दर्शन किया। गणेश जोशी ने रोहतास विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। और पौड़ी के निसड़ी गांव में एक शख्स पर गुलदार ने हमला बोल दिया। सुरेंद्र अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल गया था, तभी बकरियों पर घात लगाए हुए गुलदार ने जैसे ही हमला किया तो सुरेंद्र ने बकरियों को छुड़ाने की कोशिश की और गुलदार के हमले में घायल हो गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। रेंजर ने बताया कि वन विभाग की टीम को गश्त पर भेजा गया है और जरूरत पड़ने पर गाँव में पिंजरा लगाया जाएगा। सर, मैं सुबह बकरी के साथ गया था जंगल में और बकरी चुकाते समय सर गुलदार आया और गुलदार ने सर अटैक किया बकरी पे। मैं पत्थर फेंक रहा था और वो गुलदार ने अटैक कर दिया सर। पिंजरे का तो अभी नहीं, आज हमारी टीम गश्त करेगी तो जैसी भी स्थिति होगी गुलदार की तो उसके अनुसार जो है स्टाफ के द्वारा बताया जाएगा कि स्थिति क्या है, उसके अनुसार आगे पिंजरे की कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में रिजर्व फॉरेस्ट में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए 2000 पेड़ों को काटने की तैयारी चल रही है, लेकिन इसका जोरदार विरोध हो रहा है। रविवार को खलंगा फॉरेस्ट में बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर पेड़ काटने को लेकर अपना विरोध जताया है। देहरादून का ऐतिहासिक स्थल खलंगा सिर्फ अपने घने जंगलों के लिए ही नहीं बल्कि अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुए युद्ध के लिए भी जाना जाता है। वीर गोरखाओं की याद में यहां साल के पेड़ों के बीच खलंगा स्मारक भी बनाया गया है। अब इसी जंगल में करीब 7 हेक्टेयर एरिया में सोंग बांध परियोजना का वाटर ट्रीटमेंट प्लान बनाने की योजना है। इसके लिए साल के 2000 पेड़ काटे जाने हैं। इन पेड़ों पर बाकायदा मार्किंग भी की जा चुकी है, जिसका स्थानीय लोगों के सामाजिक संस्थान के लोग विरोध कर रहे हैं और मार्किंग किए गए पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। क्या भीड़ जो मौजूद है और आप देख सकते हैं मेरे बगल में पेड़ है जो कि यहाँ पर जो संख्या लिखी है, संख्या नहीं बता रहा है ना पहचान बता रहा है, ये बता रहा है कि ये किसी भी रात, किसी भी सुबह और किसी भी शाम कट जाएंगे। नेचर तो ये धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। यहाँ 9000 का स्टार्टिंग बोल रहे हैं कि 9000 ट्रीज अभी कटेंगी, 9000 से वो 10000, 20000, 30000 लाखों में ऐसे ही पहुंच जाएगा वो। खलंगा से पहले देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हाईवे के लिए करीब 2500 पेड़ काटे गए,
तो सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण के लिए भी 2500 से अधिक पेड़ काटना पड़ा था। तब भी सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। रविवार को खलंगा में जुटे लोगों का कहना था कि इससे दून की हरियाली खत्म हो रही है। जो वाटर की कमी हो रही है उसको पूरी करेंगे 2000 से 3000 पेड़ काट के। सिर्फ पेड़ों की वजह से ही हमको पानी मिलता है। देहरादून में इतने छुपे हुए स्रोत हैं, वाटरफॉल हैं, आप उनसे पानी लीजिए। मसूरी से ग्लोगी धारा जो आती है भट्टा फॉल से होते हुए, वहाँ पे बिजली का निर्माण भी होता है ग्लोगी धारा पे, और पानी नीचे भी आता है, आप उस पानी को लीजिए। ये जो योजना है सरकार की यहाँ पर जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे और उसके एवज में यहाँ पे 2000 पेड़ काटे जा रहे हैं, हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे पेड़ काटे जाएं, क्योंकि जो ये पेड़ हैं ये रिचार्ज करते हैं ग्राउंड वाटर को। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार पिछले 20 साल में अकेले देहरादून में 20,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए ट्रांसफर की जा चुकी है, तो पूरे उत्तराखंड में ये आंकड़ा पिछले 20 सालों में 50,000 हेक्टेयर को पार कर चुका है। यही कारण है कि लोग अब पेड़ों के कटान के खिलाफ मुखर होकर आगे आने लगे हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और खलंगा में 2000 पेड़ काटे जाने को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के कई नेताओं ने खलंगा पहुंचकर पेड़ काटने के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। कांग्रेस ने कहा सरकार हर बार पेड़ काटने के बदले पेड़ लगाने या ट्रांसप्लांटेशन की बात करती है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। वहीं क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ का कहना है देहरादून में जिस तरह से पेयजल संकट गहरा रहा है उससे भविष्य की जरूरतों को देखना ये बहुत जरूरी है। जब चौड़ीकरण किया गया तो इन्होंने वहां ये कहा गया कि हम दुगने पेड़ लगाएंगे, ये करेंगे, सरकार द्वारा कहा गया, लेकिन आपने देखा अभी तक एक भी ट्री प्लांटेशन के नाम पर एक भी पेड़ वहां पर नहीं लगाया गया। ये संख्या लगभग जो अनुमानित है वो 10,000 के आसपास है, 9 से 10,000 है। आने वाले समय में सबसे जरूरी जो देहरादून के लिए, मैं अपनी रायपुर की बात नहीं कर रहा, देहरादून पूरे शहर के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें अभी ये चल रहा है कि कितना किस जगह से कितने पेड़ों को काटा जाना है, ये उसकी अनुमति जब आएगी उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तब उस पर बात करेंगे। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने के साथ सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। नैनीताल में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है। नैनीताल में पर्यटन स्थल गुलजार है। तराई की गर्मी से बचने के लिए पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं तो होटल पैक होने लगे हैं। आलम यह है कि पर्यटकों की भीड़ लगातार पहुंचने से पार्किंग और दूसरी समस्याएं होने लगी है। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों को सर्द मौसम में गर्मी से राहत दे रहा है, इसके साथ ही सैलानी बोटिंग का लुफ्त उठा रहे हैं। वेदर इज वेरी प्लेजेंट इन द नैनीताल। दिल्ली में बहुत अभी गर्मी है बट नैनीताल में तो बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम कोई नहीं हुई। रोड्स आर वेरी सेफ, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, वेरी सेफ, लैंड स्लाइडिंग कुछ भी नहीं हो रहा था। So we are comfortable to come here. तो अब तो वेदर काफी अच्छा है और उधर तो दिल्ली और गुड़गांव में तो बहुत गर्मी है। सोचा था ऐसा मिलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंजॉय कर रहे हैं? हाँ डेफिनेटली बहुत। अब जा रहे हैं हम बोटिंग के लिए। पर्यटक कारोबारियों को इस बार अच्छे पर्यटन सीजन की उम्मीद है। हालांकि अभी सैलानियों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के बाद संख्या में तेजी आएगी। अच्छा काम चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी अच्छा काम चले। और इधर को अभी इलेक्शन भी है, थोड़ा बहुत बीच में रहेगा ऐसा, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन मई 20 के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा काम अच्छा चलेगा। बिल्कुल, पूरे शहर के अंदर रूसी बाईपास पर और जितने पार्किंग स्पॉट हैं वहाँ पर प्रॉपर ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं, और पार्किंग में मैंने 24 घंटे की ड्यूटियाँ लगाई हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। लेकिन स्कूलों में गर्मी की छुट्टी के बाद संख्या में तेजी आएगी। सरोवर नगरी में भीड़ बढ़ने से जाम और पार्किंग की समस्या हो जाती है, और मैदान में गर्मी बढ़ने के साथ ही लोग पहाड़ का रुख करेंगे। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि भीड़ से निपटने के इंतजाम हो
ताकि पर्यटक बेहतर अनुभव लेकर जा सके। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट।